गेमिंग न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और वीडियोस थोड़ी सी डिलेड है क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन आज की इस न्यूज में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडस बैटल रॉयल, दो नए क्लाउड गेमिंग एप्स, पैल वर्ल्ड मोबाइल, अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स, फोर्टनाइट और भी बहुत सारी न्यूज। तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी न्यूज मिस ना कर दें। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है हिट पॉक के AI वॉइस चेंजर ने, और इसमें एक बिल्कुल नया फीचर आया है जिससे आप लोग AI का सॉन्ग कवर बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे पॉपुलर सिंगर्स मिलेंगे जिससे आप लोग किसी भी पॉपुलर सॉन्ग को उनके वॉइस में रिक्रिएट कर सकते हैं और सोशल मीडिया में इसको पॉपुलर कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों AI का यूज इतने अच्छे से हुआ है जो मैं आपको भी आगे सुनाऊंगा भी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट हिट पॉक के वॉइस चेंजर को इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले आपको हिट पॉक का AI वॉइस चेंजर ओपन करना है, फिर आपको सिंपली अपने फाइल से कोई भी एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ये वाला सॉन्ग चूज किया हूँ। फिर आपको अपना कोई भी AI आर्टिस्ट मॉडल चूज करना है। यहाँ पे मैं अरिजीत सिंह को चूज कर रहा हूँ। जो काफी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला। तो गाइस ये AI सॉन्ग कवर वाला फीचर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ, तो बहुत इजीली आप लोग उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इंडस बैटल रॉयल का क्लोज बीटा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स इसके ऊपर गेमप्ले डाल रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना है इंडस बैटल रॉयल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूं कि इंडस बैटल रॉयल के ओवर 70 लाख से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा यूजर्स एक्साइटेड हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था एक ई-स्पोर्ट्स इवेंट में, तब से इंडस बैटल रॉयल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर इंडियन मेड बैटल रॉयल गेम की बात करें तो बहुत सारे गेम्स आए थे लेकिन वो कोई भी पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन इंडस बैटल रॉयल एक ऐसा गेम है जिसमें सबको दम दिख रहा है। UGW भी एक गेम है जिसपे काफी लोग होप दिखा रहे हैं, लेकिन इंडस बैटल रॉयल फाइनली आम लोगों के लिए आ चुका है। बस आपको क्या करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको अपनी सिटी, ब्रांड, नाम ये सब डालना पड़ेगा। फिर शायद आपको इनका जो बीटा टेस्टिंग का की है वो मिल जाए, फिर आप लोग इंडस बैटल रॉयल को ट्राई आउट कर पाएंगे। दोस्तों फोर्टनाइट जो iOS एंड iPadOS से काफी दिन पहले ही गायब हो चुका था और उसके लिए आपको क्लाउड गेमिंग को यूज करना पड़ता था ताकि आप iPhone में खेल पाएं, अब वो फाइनली वापस आ रहा है एप्पल iPhone एंड iPad के लिए। तो जैसे पहले आप लोग फोर्टनाइट को एपिक गेम्स के खुद के ऐप से डाउनलोड कर सकते थे, जो अभी भी एंड्रॉइड फोन में वैसा ही होता है, लेकिन आईफोन में ये चीज एप्पल ने डिनाई कर दिया था। लेकिन अब फाइनली आप वापस पहले जैसे फोर्टनाइट को ऑफिशियली एपिक गेम्स के ऐप से डाउनलोड करके अपने आईफोन में खेल सकते हैं। पैल वर्ल्ड ने लिटरली सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इस गेम ने सिर्फ 12 दिन में 19 मिलियन कॉपी सोल्ड किए हैं। $164 मिलियन का रेवेन्यू इस ग्रॉस पूरा कमा लिया है, लगभग 1500 से 1600 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 12 दिन में। इसकी कंपनी में तो पैसों की बारिश हो रही होगी, इतने सारे इन्वेस्टर इन सबके पास आए होंगे। तो रिसेंटली गाइस पैल वर्ल्ड ने एक्सबॉक्स गेम पास में बिल्कुल नया रिकॉर्ड बना लिया है। ये अब तक का सबसे बिगेस्ट गेम लॉन्च है एक्सबॉक्स गेम पास की हिस्ट्री में। जैसे ये गेम आया दोस्तों 7 मिलियन कॉपीज यानी 70 लाख लोगों ने एक्सबॉक्स गेम पास से पैल वर्ल्ड गेम को यूज किया और खेला है, और जो अब तक का एक्सबॉक्स का सबसे बिगेस्ट रिकॉर्ड है। एंड लिटरली गाइस पैल वर्ल्ड को जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया फटाफट ट्राई कीजिए। मैं खुद मेरे एग्जाम्स खत्म होते ही पैल वर्ल्ड गेम को ट्राई करूंगा, एंड हो सके तो मैं उस पर एक रिव्यू वीडियो भी लाऊं। दोस्तों अवतार रेकॉर्डिंग जो काफी पॉपुलर MMORPG शूटिंग गेम होने वाला था, इसको आर्कोसॉर गेम्स जो कंपनी डेवलप कर रही थी, उसने इस गेम का जो लॉन्च डेट है उसको डिले कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया एक तरीके से। और इसका रीजन दिया है कि वो लोग प्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक चेंजेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अवतार रेकॉर्डिंग का बीटा टेस्ट हुआ था कनाडा में भी, और चाइना में इसका प्री रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था, और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में लॉन्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो आर्कोसॉर गेम है उसने इसके लॉन्च डेट को थोड़ा डिले कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि इस गेम को जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो उसने इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने उसके लॉन्च को डिले कर दिया है। अब वापस हम लोग को शायद और बीटा टेस्ट और क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग देखने को मिले अवतार रेकॉर्डिंग गेम की। तो गाइस काफी बड़ी फेक न्यूज निकल के आ रही है जो पैल वर्ल्ड मोबाइल से रिलेटेड है। तो गाइस रिसेंटली काफी ज्यादा लीक्स आ रहे हैं पैल वर्ल्ड के ऐप स्टोर पेज के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पैल वर्ल्ड का ऐप स्टोर का ऑफिशियल होम पेज जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं ये रियल है, लेकिन अब फाइनली कंफर्म हो चुका है ये जो लीक शेयर हो रहा था पैल वर्ल्ड के iOS वर्जन का, ये जो भी स्क्रीनशॉट है बिल्कुल फेक है। लेकिन हाँ, पैल वर्ल्ड की जो पेरेंट कंपनी पॉकेट पेयर वो डेवलप कर रही है पैल वर्ल्ड मोबाइल, और वो कभी भी उसके लीक्स एंड रियल जो रिलीज डेट वो सामने आ सकता है। काफी लोग अभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन ये कंफर्म न्यूज है पैल वर्ल्ड का मोबाइल वर्जन आ रहा है। लेकिन अगर आपको अभी इसी वक्त पैल वर्ल्ड का PC वर्जन अपने फोन में खेलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ। पैल वर्ल्ड ऑन मोबाइल, ऑफिशियल पैल वर्ल्ड आपको मोबाइल में खेल के दिखाऊंगा, एंड ये बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी पैल वर्ल्ड के ऊपर।
आप सब जानते हैं आज से 3-4 साल पहले पबजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पीसी गेम था। बहुत बड़े बड़े स्ट्रीमर्स थे जैसे डायनेमो एंड श्राउड, एक काफ़ी बड़े पबजी पीसी के स्ट्रीमर थे। लेकिन गाइस चलते चलते जो पबजी पीसी के डेली एक्टिव यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए और अब के टाइम पे तो पबजी पीसी बिल्कुल फ्री है लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं खेलता। इसी बात को देखते हुए क्राफ्टन जो कंपनी है उसने काफ़ी बड़ा न्यूज़ अनाउंस किया है। एक्चुअली ये क्राफ्टन ने नहीं अनाउंस किया है, ये क्राफ्टन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म जो क्राफ्टन पे इन्वेस्ट कर रखी है गोल्डमैन सैक्स, एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने ये लीक दिया है कि क्राफ्टन प्लान कर रहा है पबजी 2.0 को लॉन्च करने का पीसी के लिए। इसमें बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स होंगे लेकिन जो मेजर अपग्रेड है वह ग्राफिक्स को लेके। क्राफ्टन इसमें अनरियल इंजन 5 को इंटीग्रेट करेगा जिससे पबजी पीसी के ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। अब ये कब तक आता है ये नहीं पता, लेकिन गोल्डमैन सैक्स एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, अगर उसने ये चीज़ बता दिया कि पबजी प्लान कर रहा है तो 100% चांसेस है कि पबजी 2.0 पीसी में आने वाला। एंड रियली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अनरियल इंजन 5। तो गाइस 2 दिन पहले ही मेरा फेवरेट एनिमे का एक ऑफिशियल गेम आ चुका है जिसका नाम है वन पंच मैन वर्ल्ड। तो मैं कोई भी एनिमे नहीं देखता, सिर्फ मैं ड्रैगन बॉल जी देखता था, ड्रैगन बॉल जी सुपर और वन पंच मैन के भी मैं मांगा अभी भी रीड करता हूँ, उसके एनिमे कब आएंगे सीजन 3 मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वन पंच मैन का ऑफिशियल गेम जिसका नाम है वन पंच मैन वर्ल्ड वो आ चुका है। अब इसको 2 कंपनीज लॉन्च की है, एक तो जो साउथ ईस्ट एशिया में उसकी ऑफिशियल कंपनी लॉन्च की है लेकिन यूरोप और अमेरिकाज में क्रंचीरोल जो काफ़ी बड़ा एक मांगा का ऐप है प्ले स्टोर पे, उसने वन पंच मैन वर्ल्ड को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लॉन्च किया है। तो आप लोग किसी का भी वीपीएन यूज़ करके, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया का, मलेशिया, इंडोनेशिया का वीपीएन यूज़ करके या फिर यूरोप और अमेरिका का वीपीएन यूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस गेम का साइज़ लगभग 8 GB यानी कि 8-9 GB जो काफ़ी हैवी है, लेकिन इसका आप गेम प्ले देख सकते हैं स्क्रीन, मैंने अपने फ़ोन में ट्राई किया, बहुत कमाल का था एंड रियली मैं बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा हूँ इसको खेलते हुए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो आ रही है पैलवर्ल्ड मोबाइल के ऊपर, एक्साइटेड रहिए, यानी इसी एक्साइटमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।